हाँ जी जय भीम नमो बुद्धा आ रही है जय भीम नमो बुद्धा है बेल सर जय भीम नमो बुद्धा टू ऑल ऑफ द समन संग पीपल जय भीम सर मुझे आप लोगों से आ, नागपुर का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा शेयर करना था सॉरी मैं दौड़ भाग में इतना लगा रहा कि इससे पहले मैं आ नहीं पाया एक्चुअली एक्चुअली uh, नागपुर के बारे में बात करना और नागपुर में वहाँ प्रेजेंट होके उसको एक्सपीरियंस करना दोनों अलग अलग चीजें हैं जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया शायद मैं अपनी बातों में उनको बता ना सकू पहले तो दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए जाना बाबा साहब की कर्मभूमि उसके ऊपर फिर बाबा साहब अम्बेडकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डिबोर्ड करना उसके बाद नागलोक में जाना नागलोक जो नागों की बस्ती और नागों का शहर और वो भी शहर ऐसा कि जो आज से कोई तीस बत्तीस साल पहले करुणा ट्रस्ट जो हमारे साथ है एसोसिएटेड था लंदन का उन लोगों ने पंद्रह uh, एकड़ जमीन खरीद के उसको इस्टेब्लिश किया था और मैं थर्ड टाइम गया हूँ वहाँ और थर्ड टाइम मैंने मैं देखा कि वो इतना डेवलप हो गया है और इतना ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दिया गया है इट इज़ रियली रियली रिमार्केबल अब आती है कि भाई वह वहाँ जो आ, हमारी कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ गेट हुई जहाँ मीटिंग हुई सबसे पहले तो मैं नागपुर के लोगों को जहां मतलब महाराष्ट्र के लोगों को ही सभी ने जिन लोगों ने भी योगदान दिया स्पेशली अः जमुले सर जी एंड कटके सर जी जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी इतनी मेहनत करी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतना जबरदस्त रिस्पांस आएगा हमें और इस रिस्पांस को देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जिस रास्ते पे आ, आ हम चल रहे हैं अगर हम निरंतर इस रास्ते पे साल दो साल चलते रहे तो फिर हमें कोई रोकने वाला पैदा भी नहीं होगा चाहे वो अपने हो चाहे वो प्राय हो तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव था बाकी जो वहाँ की मैनेजमेंट कर रखी थी नागपुर के लोगों ने वो मैनेजमेंट अजीबो गरीब थी इतने लोगों को अकोमोडेट करना उनको दे उनकी देखभाल करना खाने पीने का इंतजाम करना और रहने का इंतजाम करना अपने आप में एक बहुत वंडरफुल एग्जांपल है और मैं सारे नागपुर के लोगों का जिन्होंने थोड़ा ज्यादा ज्यादा जितना भी योगदान दिया उन सभी को मैं बहुत-बहुत साधुवाद कहता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं बहुत-बहुत अप्रिशिएट करता हूं और अपने इंटरनेशनल लोगों को भी मैं जे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम आपका वीडियो नहीं आ रहा है <laughs> वीडियो आउट है मैं बंद मैं जहां पंजाब में हूँ वहां ब्लैकआउट हुई है इसलिए वीडियो नहीं आ रहा लेकिन मेरी आवाज तो आप पहचानते ही होंगे बोलते रहिए सर बोलते रहिए आपकी तस्वीर भी आ रही है हमारे दिल में सर आपकी तस्वीर दिलों में हमारे सभी के जी आप वीडियो खोले नहीं उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा जो जो कुछ वहां मुझे जो आ, हमने वहां कहा या हमने वहां जो प्रेजेंट किया उससे हटकर जो लोगों का इंटरेस्ट था या लोगों का आ, के दिल में जो चाहना थी कि हम क्या करेंगे कैसे बैठेंगे कैसे सारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे उसको देखकर मुझे लगता है कि नागपुर के लोगों ने एक बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल हमारे लिए सेट किया है अब मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के लोग भी जब पंद्रह मई को अपना प्रोग्राम रखेंगे तो उससे कुछ सीख लेंगे कि भाई हमें आगे बढ़ना है पीछे नहीं जाना अगर वो 620 लोग क्लॉक इन करते हैं रजिस्टर करते हैं तो हमें कम से कम 650 कम से कम 650 ज्यादा से ज्यादा एक एक हजार लोगों का जून इकट्ठा करना चाहिए वहां ये मुझे ये कहना है और खास करके इंटरनेशनल लोगों से मुझे एक और भी अपील करनी है भले हम कह रहे हैं कि भाई हम पैसा नहीं लेते रसीद नहीं काटते चंदा नहीं लेते लेकिन वो अपने आप में अपनी जगह सही है लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम हैंडल करना चाहें जैसे मैं देख रहा था कि अगर इसको बड़े अच्छे डिजिटल तरीके से हमने हैंडल किया होता और एक बहुत बड़ा आ, अच्छा एक आईटी का सेटअप वहां किया होता तो शायद दुनिया भर में लोग एक ही समय पे सारे प्रोग्राम देख सकते तो अगर करोड़ों लोग जहां जहां भी विदेशों में बसे हुए हैं और दूसरी स्टेट्स में भी बसे हुए हैं अगर वो हमें देखते तो लोगों को एक समझ लगती कि ये समन संघ के ग्रुप के जो लोग हैं ये दूसरों से हटके हैं कोई वहां फूलमाला नहीं है कोई ओदेदारी नहीं है कोई वहां, है, कोई वहां आ, किसी को आगे किसी को पीछे की चिंता नहीं है जैसे जैसे आया और वैसे वैसे बैठते गया और वहाँ कम से कम आ, बहुत बड़े पैमाने पे मैंने नोटिस किया कि लेडीज ने भी अः वहां हिस्सा लिया और हिस्सा ही नहीं लिया बहुत बड़े पैमाने पे अच्छे तरीके से उसको पेश भी किया और प्रोग्राम को भी उन्होंने प्रेजेंट भी किया जिसका मुझे लगता है कि भाई अगर हम हम कहते ही नहीं है कि भाई हमारी लेडीज़ 50 है, वहां मैंने देखा कि 50 योगदान भी था उनका मुझे एक चीज का सबसे ज्यादा अफसोस रहा है कि भाई मैं आधा प्रोग्राम छोड़ के बीच में आ गया वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि सारा लाइनअप ही इस तरीके से हो गया था लेकिन उम्मीद करता हूं कि कभी फिर मुझे नागपुर जाने का मौका मिलेगा या फिर महाराष्ट्र में जाने का मौका मिलेगा तो मैं एक दिन पहले आऊंगा और एक दिन बाद में छोड़ के आऊंगा ये मेरा वादा रहा नागपुर के लोगों से महाराष्ट्र के लोगों से मैं उनसे बहुत खुश हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का जितना आ, असर नागपुर के लोगों के ऊपर है मुझे लग रहा है कि किसी भी नहीं आज मैं पंजाब की जूम मीटिंग में भी ऐड हुआ था थोड़ी देर के लिए फिर बच्चे आ गए गांव से तो मैं मुझे छोड़नी पड़ी उसमें मैंने देखा मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं जो पंजाब के लोग अपनी अलग जूम मीट करते हैं जूम मीटिंग में लेते हैं लोगों को कि आप 10-20 इकट्ठे होकर जो प्रोग्राम देखते हैं या सुनते हैं या सीखते हैं या समझते हैं अगर आप मेन हमारा जो बी पीपल का जो मेन है जूम मीटिंग है अगर आप उसमें इंटर करो तो आपको बहुत बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत बड़े पैमाने पे लोग मिलेंगे आपको सिखाने वाले भी आपसे सीखने वाले भी अगर हम मिलजुल के सारा आगे बढ़ाएंगे और बहुत मुझे उम्मीद नजर आ रही है कि एक ही साल में अगर हम इतनी बड़ी शिलांग लगा सकते हैं तो अगर दो चार साल हम इकट्ठे रह के काम कर दिया तो बहुत ज्यादा जबरदस्त छलांग लगाएंगे इन इसी उम्मीद से कि हम आगे बढ़ेंगे हम जुड़ेंगे जोड़ेंगे इकट्ठे रहेंगे जुड़ेंगे जोड़ेंगे नहीं हम इकट्ठे रहेंगे भी जुड़े रहेंगे भी और अगर हमने समन संघ को अपना संघ बना लिया और समझ लिया क्योंकि तो एक चीज की आ, मुझे बड़ी खुशी है कि वहां जे जितनी भी बातें हुई वहां के भाई भगवान बुद्ध के समय से जे या उनसे भी पहले से जे संघ चलता आ रहा है जे हमारा दिया हुआ किसी का दिया हुआ हमें नहीं है जितने भी हमें नाम धर्म अपने जातियां जितना भी जो कुछ भी दिया हुआ है वो सारा ब्राह्मणों ने हमें दिया हुआ है इसलिए हम जब चाहे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन समन संग हमारे पुरखों का दिया हुआ है इसको हम जब चाहे अडॉप्ट कर सकते हैं इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मैं बार बार अपील करता हूं कि इसके बीच में हमें जुड़ना चाहिए अपने लोगों को जोड़ना चाहिए परिवार को जोड़ना चाहिए और यारों दोस्तों को जोड़ना चाहिए जितनी जल्दी हम जुड़ के इकट्ठे होंगे जितनी जल्दी हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे उतनी जल्दी ही, ही हमारे जो अधिकार हमसे छीन गए हैं या छीने जा रहे हैं वो रुक जाएंगे रुकेंगे ही नहीं जो आज से पहले भी छीन लिए गए हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि हम अः ये सारा काम पूरे मिशनरी भावना से कि कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा कौन दाएं खड़ा कौन बाएं खड़ा है इसको ना सोचते हुए जहां भी आपको जगह मिलती है आप वहां बैठ जाइए जहां भी जगह मिलती है वहां खड़े हो जाइए तो इसी इसी उम्मीद के साथ कि हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों के लिए एक आदर्श अः संविधान छोड़ के जाएंगे जिसके बलबूते पे वो भी ऐसे दिन देख सकें जैसे आज हम देख रहे हैं मैं इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं लेकिन एक बार मैं फिर महाराष्ट्र के लोगों को और उनकी भावना उनके अंदर मिशनरी भावना को देखकर मुझे बहुत खुश है मैं बहुत ही भाई मैं फील करता हूं। अफसोस है कि मैं अर्ली आ गया लेकिन आ, मैं उम्मीद करता हूँ इसको अब पीछे नहीं आने देंगे बाबा साहब की वो हदायत कि भाई मिशन जहां आ गया है जहां तक मैं लेके आया हूँ और नागपुर के लोगों को भी ये अब उम्मीद होनी कि जहां तक हम लेके आए हैं इससे पीछे नहीं आए हर मीटिंग uh, में और हर जहां भी हम uh, इकट्ठे हों जिस स्टेट में भी हम आगे ही बढ़ते जाए आगे भी बढ़ते जाए आगे बढ़ते जाए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और महाराष्ट्र के लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करते हुए जय भीम नमो बुद्धा जय सभजान आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद कथं सरेण गच्छामि